अभी बात करते हैं अपने इसके जो वाइपर मैंने बदले थे, तो मैंने बोला था अच्छा वाइपर होना बहुत जरूरी है। अभी बारिश हो रही है, डिसेंट है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही, तेज़ होती तो आपको आइडिया आ जाता इसका। अभी देख लो विजिबिलिटी कैसी है, ठीक है। तो सामने जो कार की लाइट है आप उस पर फोकस करोगे तो फोकस नहीं हो रही, तो वाइपर चलाते अपने एक बार, ठीक है, उसके बाद जो फोकस है, ठीक है। अभी बारिश हो ही जा रही है, कंटिन्यू कर दे भाई इसको, तो वाइपर चलता रहे, तो वाइपर चलता रहे, तो उसके बाद की विजिबिलिटी देखो। तो बहुत ज़रूरी है एक अच्छा वाइपर होना, ठीक है, खासकर जब लाइट सामने से आती है। देखो अभी आपकी लाइट आ रही है, अपने वाइपर बंद कर देते थोड़ी देर के लिए, तो जो सामने लाइट आ रही है आपको ऐसे देखो रिफ्लेक्ट होकर दिखेगी, दिख रहा है। अब इसको अपने चला देंगे तो ये साफ होकर दिखेगी, जहाँ तक वाइपर चल रहा हो उतना दिखा रहा हूँ। और जो वाइपर के बाहर है वो तो रहेगा, जैसे ये वाला एरिया इसे टाइप करेगा, ये नहीं साफ होता है अपने खास करके ऐसी गाड़ी में, बाकी कारों में तो अच्छा साफ हो जाता है। और दूसरा, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो डिफोगर चालू कर लो, ये अपने थार में आता है डिफोगर, ये सिम करके डिफोगर थोड़ा कर दो तो ये साफ हो जाएगा, ठीक है, एकदम क्लियर आपको दिखने लगेगा बाहर। तो एक अच्छे क्वालिटी का वाइपर डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ऐसे मीडियम प्राइस रेंज में, इसमें प्रीमियम प्राइस रेंज वाली भी आती है तो आप वो भी डाल सकते हो, तो मैंने उसके हिसाब से डाला है कि ये कम पैसे में भी आपको एक प्रीमियम चीज़ देगी, और साल भर के बाद तो बदलना ही बदलना है इसको, ठीक है। अभी मैं चीज़ आपको बाहर से, मैं आउटसाइड से आ गया हूँ, बारिश आपको बारिश में पानी में दिखा दूँ, पहले वही डिसेंट हो रही है, बहुत तेज़ होती तो आपको ज़्यादा क्लियर होता है। तेरा वाइपर, अगर आपका वाइपर ख़राब है तो ये ऐसे दाग बने रहेंगे, दिख रहे हो ना, ये बारिश का चल के वाइपर कंटिन्यू चल रहा है इसलिए वैसे जम नहीं रहा है। चालू करो भाई वाइपर, तो वाइपर ये देखो ये कितना मस्त साफ हो गया, थोड़ा तेज कर दे भाई, तो अब क्लियरिटी देखो, तो एकदम क्लियर व्यू मिलेगा, खास करके अगर रात में चला रहे हो, अभी रात होने वाली है, देखता हूँ अगर नाइट व्यू मिलता तो आपको दिखाता हूँ। तो अच्छा वाइपर डालना जरूरत है ये, तो मैंने फ्रेमलेस डाला है, स्पार्क मिंडा का है, डिसेंट कॉस्ट है, 200 रुपया पर पीस है, और अपने में मैंने 14 इंच का मैंने अपग्रेड करवाया है, तो फिर इसकी वजह से क्या बोलते हैं विजिबिलिटी बढ़ गई और साल भर लाइफ रहेगी इसकी। और क्या नाम है, अगर आप भी डालना चाहते हो, इसका साइज़ अलग अलग है, प्राइस साइज़ वाइज डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने नैनो को ले लिया है उसका अलग भाव है, ठीक है। और अभी नाइट भी आपको दिखाता हूँ क्या व्यू है इसका, और ज़रूरी है बदलना, खास करके आप एक साल की उम्र होती है इनकी, गर्मी में खास करके हार्ड हो जाएंगे, उसके बाद ये आपको रिप्लेस ही करने, इन्हें तो ये फुदुक फुदुक के चलेंगे और आपको दाग बनाएंगे, ठीक है। देखो ये रहा, आपको क्लियर दिख रहा है व्यू, नहीं दिखेगा, इसलिए एक अच्छा क्वालिटी का वाइपर लेना बहुत ज़रूरी है। और वाइपर के साथ में आपको डिफोगर भी इस्तेमाल करना है, डिफोगर के बारे में आपको बताया थोड़ा बहुत, तो हर कार में डिफोगर होता ही अवेलेबल, तो वो करो आपको विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी आएगी। वाइपर के मोड़ भी आपको दिखा देता हूँ अभी, वाइपर के एक्चुअल में बहुत सारे मोड़ हैं, मतलब तीन मोड़ चार मोड़ जैसे, मतलब हर कार वाइज डिपेंड, बेसिक कार होगी पुरानी तो तीन मोड़ आते हैं, बाकी से चार मोड़ आते हैं, तो ये सब मोड़ इस्तेमाल करके आपको विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। अभी चौथे मोड़ में तेज़ बारिश हो रही, मैं इसी बारिश के इंतजार में था कि बारिश ऐसी तेज़ हो, तो आपको बताऊँ कि ये वाइपर एक्चुअल में क्यों ज़रूरी है। अगर आपका वाइपर ख़राब होगा कूदता हुआ चलेगा और आपको दिखेगा है नहीं, तभी सामने आपको रिक्शा दिख रही होगी, बहुत तेज़ बारिश हो तो गाड़ी धीमे चलाएं, क्योंकि आपका वाइपर भी तब नहीं काम करने वाला है, क्योंकि बारिश की स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड में है तो आपको ऐसे दिखेगा ही नहीं। अभी मैं थोड़ा कोने में लेके आपको इसके थोड़े मोड़ के बारे में बता देता हूँ वाइपर के, ठीक है। अभी आ गए, अभी थोड़ा पेड़ के नीचे रखें तो आपको आइडिया आएगा, ठीक है। तो ये रहे कंट्रोल, इसके बेसिक कोई भी कार में आएंगे, एक वाइपर होगा उस साइड, इस साइड ज़्यादातर इस साइड होता है, एक मोड़ आता है जो आप ऊपर करोगे ऐसे सबसे ऊपर, तो ये ऐसे चलेगा, एक बार चल के रुक जाएगा, आप इस बार दबाओगे तो एक बार चल के रुक जाएगा, एक मोड़ पहली स्पीड अमुक समय के बाद चल के काम आएगी, फिर उसके बाद टिकर होगी, वेट करना पड़ेगा फिर, हाँ ये धीमी बारिश में चलाते हैं। फिर दूसरा मोड तो थोड़ा तेज़ चलेगा, अब आपका चौथा मोड़ बहुत तेज़ बारिश जैसे अभी हो रही है, तो एक नीचे और ये चौथा मोड़, ये ज़्यादा तेज़ चलेगा, ये मोड़ भी आपको एक समय मतलब एक टाइम पर इस्तेमाल करना होता है, ऐसा नहीं कि धीमी बारिश हो रही है अब तेज़ चला मारो तो वाइपर तब भी ख़राब हो जाएंगे, तो केयर भी अंदर आ गया और आपको विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। बोला था ना वाइपर क्यों बदलना चाहिए, देखो अभी बारिश भी हो रही है, रात भी है, एचआईडी वाला व्यू जो है अलग है, इसमें देखो ये तो अच्छा वाइपर की जरूरत है, रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, जो विजिबिलिटी आपको दिख रही है ना कैमरे में जस्टिफाई हो पा रही है, अगर ये आपका वाइपर ख़राब है आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा जो ये साइज वाला दिख रहा है ऐसा दिखेगा, तो साफ देखने के लिए आपको वाइपर सही टाइम पर बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया कि वाइपर एक अच्छा क्वालिटी का डलवाना चाहिए, ठीक है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपने वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।